नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार, हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तो आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि हमें पानी को कंजर्व करना पड़ रहा है? हमारे पास तो इतना सारा पानी है, पैसिफिक ओशन इतना गहरा है कि अभी तक हम लोग उसका पूरा गहराई नाप नहीं सके हैं। तो फिर आखिर ऐसी क्या आपदा आ गई भाई कि हमें पानी को कंजर्व करना पड़ रहा है? वो क्या है ना कि हमारे पास पानी तो बहुत है, लेकिन यार यूज़ करने लायक साफ पानी हमारे पास, यानी कि जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है। हमारी पृथ्वी का लगभग जितना भी पानी है उसमें सिर्फ 2.5% पानी ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी हमारा सिर्फ 1% पानी ही एक्सेसिबल है, क्योंकि बाकी जो पानी है वो हम लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब पानी हमारा बर्फ और ग्लेशियर्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो वो सब तो हम लोग यूज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमारा बच जाता है सिर्फ 1% पानी, और यही 1% जल हमारे लिए जीवन का काम करता है। और इसी 1% पानी में पूरी की पूरी मानव जाति, पूरी की पूरी एनिमल की प्रजाति और पेड़ पौधे, सभी जो भी आप लोग देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास, सिर्फ समंदर के जीवों को छोड़ के, वो सभी इसी 1% पानी पे डिपेंडेंट है। तो यार सीधे सीधे अगर बोले तो हमारे पास पानी तो बहुत है, पर फ्रेश वाटर बहुत ही लिमिटेड है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग पी सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, वो पानी बहुत ही लिमिटेड है। और यार यही कारण है कि दुनिया की लगभग 40% जो आबादी है वो वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम से जूझ रही है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। तो यार एज एन इंजीनियर हमारे लिए ये फर्ज बनता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके फ्रेश वाटर को कंजर्व कर सके। तो यार एज एन इंजीनियर हम लोग ऐसा कौन सा कांड करें सो दैट आवर फ्रेश वाटर रिमेन्स आवर फ्रेश वाटर? तो यार इसके लिए हम लोग कुछ मेजर्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहला मेजर, हमारे पास जो 1% पानी है वो हमारे लिए इनफ है, ये हमें मान लेना है, इससे ज़्यादा तो होने वाला है नहीं। तो इसी को हमें फ्रेश रखने की ज़रूरत है, यानी कि हमें पॉल्यूशन कम करना होगा। रिवर्स वगैरह के पानी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह या फिर कोई भी ऐसा वेस्ट जो डिस्पोज किया जाता है, उसको हमें कम करना होगा, उसे हमें ख़त्म करना होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा, जिससे कि हमें उसे अच्छे से डिस्पोज करने में हेल्प हो सके, जिससे कि वो पानी से, इंसानों से, जानवरों से दूर रह सके। तो यार हमारा जो ये 1% पानी है ये धीरे धीरे कम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखते होंगे कि ठंड में तो हमारे पास पानी अच्छा खासा होता है, बट जैसे जैसे गर्मियाँ आने स्टार्ट होती है हमारे पास पानी की कमी होने स्टार्ट हो जाती है। तो यार हमारा ये पानी जो है घटता बढ़ता रहता है थ्रू द वाटर साइकिल। जब हमारा बरसात होता है तो पानी वापस हमारे पास आ जाता है। तो यार उस बरसात के पानी को अच्छे से स्टोर करके रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिससे कि हम लोग पब्लिक को अच्छी तरह से वाटर सप्लाई दे सके थ्रू आउट द ईयर, और वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो यार इसके लिए हम लोग जो है स्टोरेज रिजर्वॉयर्स को बनाते हैं, डैम्स वगैरह लगाते हैं, पानी को समंदर में जाने से रोकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। हम लोग जो है डैम्स वियर्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा नदी नाला जो है स्ट्रीम्स वगैरह का पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होके एक जगह में रह सके, बह ना जाए। अब यार हम लोग वाटर को स्टोर करने के लिए सभी जगह डैम्स वगैरह तो नहीं बना सकते, क्योंकि यार डैम्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा एरिया हमारा कवर कर लेता है, जिसके कारण काफ़ी सारे विलेज पीपल्स को जो है शिफ्ट करना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है। तो इसलिए डैम्स जो है एक अच्छा आइडिया नहीं है वाटर को स्टोर करने के दृश्य से। पानी को सेव करने का सबसे इफेक्टिव और अच्छा तरीका है कि हम लोग उसे जमीन के नीचे ले जाएं, जहां पर वो हमारे एक्वीफर्स को, यानी कि जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स होते हैं, उनको रिचार्ज करेगा और हमारे अंडरग्राउंड वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। इस प्रोसेस को दोस्तों ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बोला जाता है। अब यार आज के टाइम पे एक अनबैलेंस टाइप की सिचुएशन क्या हो गई है कि हमारा जो वाटर है वो हमें थ्रू आउट द ईयर एज अ मेन सोर्स हमें रेन देता है, लेकिन आजकल रेन जो है वो ढंग से हो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जो है
पृथ्वी का जो वातावरण है, नेचर का जो बैलेंस है, उसको बिगाड़ दिए हैं पेड़ों को काट के। डिफॉरेस्टेशन के कारण दोस्तों आज के टाइम पे हमारा रेन जो है वो अनबैलेंस्ड तरीके से होता है, इसलिए यार आधे इंडिया में बाढ़ आ जाता है और आधे इंडिया में सूखा पड़ जाता है। तो यार हमारे लिए पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमें नए पेड़ों को लगाना भी चाहिए ताकि हमारा वातावरण फिर से बैलेंस हो सके। साथ ही साथ दोस्तों हमें सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम लोग वाटर को कंजर्व कर सके। तो दोस्तों ये थे कुछ इंजीनियरिंग मेजर्स वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब यार एज अ कॉमन पीपल, एक आम आदमी भला वाटर को कैसे कंजर्व कर सकता है? तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा रिसाइकल, रीयूज एंड रीड्यूस के बारे में। तो दोस्तों ये एक तीन वर्ड्स का मंत्र है जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो एज अ कॉमन पीपल, आम नागरिक के हिसाब से आप लोग भी वाटर कंजर्व करने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। वाटर को जो है ऐसे ही खुला ना छोड़े, टैप वाटर का अगर आपका यूज खत्म हो गया है तो टैप को क्लोज कर दें, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस। वाटर का यूज आप रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए और वाटर की यूजेज जो है वो घटानी चाहिए, उन्हें भी जो है थोड़ा सा वाटर का यूजेज को रिड्यूस करना चाहिए। फिर दोस्तों हम लोग वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, हम जो पानी यूज किए हैं नहाने के लिए उस पानी को हम लोग इरिगेशन पर्पस में भी यूज कर सकते हैं जिससे कि दोस्तों हमारा पानी रिसाइकल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के कुछ छोटे छोटे मेजर्स, जैसे कि रात का पानी अगर बच गया तो उसको हमें रीयूज करना चाहिए, उसे हमें या तो कोई एनिमल को देना चाहिए या फिर प्लांट्स को देना चाहिए जिनसे कि यार उनका भी प्यास बुझ सके। सिर्फ हम ही लोग जिंदा नहीं है, उनके अंदर भी लाइफ है, उनकी भी फीलिंग्स को थोड़ा वैल्यू देना चाहिए। तो यार अगर इसी तरह के कुछ कुछ छोटे स्टेप्स को आप लोग उठाते हैं तो इससे हमारा वाटर कंजर्वेशन में आपका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। इसी तरह के कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को उठा करके दोस्तों आप अपने देश के इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यार वाटर को सप्लाई करना बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। तो यार एज अ गुड सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से हमें वाटर की यूजेज को कम करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि यार पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का पैसा बचेगा और ये पैसा जो है आगे किसी और नेक काम में यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स वगैरह खोलने में। तो यार इसी तरह कुछ टेक्निक्स को यूज करके हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और ये 1% पानी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बारे में। ओके सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। Let us summarize the groundwater first. So the groundwater is simply a water that we found under the ground. That is why it is called groundwater. चलिए हिंदी में बात करते हैं। तो यार जब हमारा बरसात होता है तो उसका पानी हमारा दो जगह जाता है, पहला सरफेस में, दूसरा सब सरफेस में। तो यार ये जो हमारा सब सरफेस वाटर है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, ये आखिर ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड में जाता कैसे है, यही हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों जब हमारा बारिश होता है तो आप लोग देखते होंगे कुछ पानी जो है बह जाता है और कुछ पानी जो है ज़मीन सोख लेता है। तो सोखने के बाद वो पानी रिश्ते रिश्ते जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद पानी जो है हमारे ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों हमारा अर्थ का सॉयल का लेयर जो होता है वो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे ग्रेजुअली वो जो है हार्ड होते जाता है और एक टाइम आता है जब वो बहुत ही हार्ड हो जाता है जहाँ से पानी जो है और नीचे नहीं जा पाता है। तो उस लेयर को हम लोग दोस्तों इम्परमीएबल रॉक्स बोलते हैं और इस लेयर के नीचे हमारा पानी नहीं जा पाता, इसलिए वो पानी जो है हमारा ऊपर ही स्टोर होकर रह जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो हमारा पानी है जो ग्राउंड के अंदर हमारा स्टोर हो रखा है और इस स्टोर हुए पानी को हम लोग एक्वीफर्स बोलते हैं। तो लेट्स से कि जो हमारा एक्वीफर्स है वो एक तरह से हमारे लिए अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है जो कि एक्चुअली में है। तो यार अगर हमारा ये अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है, इतना सारा हमारे पास पानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, खोद के निकालेंगे और क्या। बिल्कुल सही जवाब, सही पकड़े। जब हम लोग कुआं वगैरह बनाते हैं, चापाकल बनाते हैं, तो हमारा वहाँ पर पानी कैसे आता है, इन एक्वीफर्स की वजह से ही आता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब हम लोग कुएं का पानी पूरा ड्रेन कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो सुबह को भला वो पानी वापस से उतना कैसे हो जाता है? ये भी दोस्तों हमारे एक्वीफर्स की वजह से ही होता है, क्योंकि पानी हमेशा अपना लेवल मेंटेन करके रखना चाहता है। जब हम लोग कुएं से पूरा पानी सुखा देते हैं तो एक्वीफर्स दोबारा से उस लेवल को मेंटेन करने के लिए कुएं में पानी भर देता है,
तो यार ये प्रोसेस हमारा तब तक चलते रहता है जब तक हमारा ग्राउंड वाटर टेबल कुएं के हाइट से नीचे ना चला जाए, और जिस दिन ऐसा होता है हमारा कुआं दोबारा नहीं भरता है। और हम लोग कहते हैं भाई कि सूखा पड़ गया, पानी तो ख़त्म हो गया। फिर दोस्तों एक मैजिक होता है, बरसात होने लगती है और हमारा कुआं फिर से भर आता है। मगर दोस्तों अब इसमें नई बात क्या होती है कि हमारा कुआं अब पहले की तरह खुद ब खुद भर नहीं रहा होता है, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही नीचे जा चुका होता है। अब ये दोस्तों हमारा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर को यूज़ तो किया लेकिन उसे दोबारा से भरा नहीं, दोबारा उसे रिफिल नहीं किया, दोबारा उसे रिचार्ज नहीं किया। इसी की वजह से दोस्तों आज हमारे पास पानी की इतनी कमी है, क्योंकि यार अभी हमारे पास ग्राउंड वाटर ही नहीं है। एक्वीफर्स पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। जो भरे हुए थे वो हमारे पापा के पापा के पापा के पापा के टाइम के थे। तो समझ सकते हैं दोस्तों आज हम लोग किस टाइम पे जी रहे हैं, जहां पर हमें वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। आज के टाइम दोस्तों गर्मियों में पूरी दुनिया में 40% पीपल्स के पास पीने का पानी नहीं होता। 40% मतलब समझ रहे हैं, 3 बिलियन पीपल्स। समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये। इतने सारे लोगों को पानी पीने को नसीब नहीं होता। सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं हम लोग आज के टाइम पे। तो दोस्तों क्या इसका सॉल्यूशन है? क्या हम लोग इस चीज़ से उभर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यार मेन प्रॉब्लम है कि हमारे ग्राउंड में पानी बचा नहीं है, एक्वीफर्स पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। तो अब हमें उसे जो है रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसीलिए हमें अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना होगा। तो दोस्तों इसको रिचार्ज करने के हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो मेथड्स आखिर क्या क्या है जिनके थ्रू हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं। तो यार ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारा स्प्रेडिंग मेथड। तो स्प्रेडिंग मेथड क्या होता है चलिए देखते हैं। स्प्रेडिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों, हम लोग पानी को सरफेस के ऊपर ही जमा करके रखते हैं और वो पानी हमारा नेचुरली इनफिल्ट्रेट हो करके हमारे एक्वीफर्स में जाता है और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। आज के टाइम पे दोस्तों इस मेथड को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपनाया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार के द्वारा डोभा वगैरह बनाया जाता है, गाँव देहात में तालाब वगैरह खुदाया जाता है। तो वो सब जो है एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यार वो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हमारी हेल्प करता है। मैंने कई लोगों को ऐसे बोलते सुना है कि वो लोग कहते हैं कि यार सरकार क्या ये डोभा वगैरह बना रहा है, इस सब में पैसा वेस्ट कर रहा है हमारा। इससे तो अच्छा होता कि सरकार कोई डैम बना देता, रिजर्वॉयर बना देता। तो क्या दोस्तों वो डैम या फिर रिजर्वॉयर बनाना हमारे लिए फायदेमंद साबित होता, या वो ज्यादा इफेक्टिव होता ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से? मेरे ख्याल से दोस्तों डैम्स या फिर रिजर्वॉयर्स कोई अच्छा आइडिया नहीं है वाटर को सेव करने का, क्योंकि दोस्तों डैम्स बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है, प्लस डैम्स में हमारा पानी पॉल्यूट हो सकता है, पानी इवापोरेट हो जाता है, तो वहाँ हमारा पानी अच्छे से स्टोर होके नहीं रह सकता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ग्राउंड वाटर है यहाँ पर हमारा पानी सालों साल टिका हुआ रह सकता है, पॉल्यूशन फ्री रह सकता है, कोई भी यहाँ पर पॉल्यूशन कचरा वगैरह होने का चांसेस नहीं है, पानी बिल्कुल प्योर रह सकता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इसमें हमें कोई ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया नहीं चाहिए कि हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इतना सरफेस में पानी ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों हम लोग अपनी मन मर्जी से छोटे मोटे डोभाज वगैरह यहाँ वहाँ पॉन्ड्स वगैरह छोटे मोटे बना सकते हैं, हमें इकट्ठे लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग जहाँ चाहे वहाँ छोटे मोटे पॉन्ड्स वगैरह बना सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा नेचुरली पानी इनफिल्ट्रेट हो के हमारा ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स में जाता है, तो इसके कारण हमारा जो है पानी बहुत ही प्योर एंड फ्रेश होता है दोस्तों, और ये हमारे ग्राउंड वाटर टेबल को राइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये खेत में एक सरकारी डोभा बनाया हुआ है छोटा सा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता था, ये डोभा बनने से पहले यहाँ का वाटर टेबल बहुत ही नीचे था हमारा। यहाँ पर हमारा खेत जो है इस टाइम तक सूख के पूरा एकदम बंजर हो जाता था, कुछ यहाँ पर होता नहीं था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वाटर टेबल कितना इंक्रीज हो गया है, यहाँ की मिट्टी अभी भी गीली है आप देख सकते हैं, जबकि बरसात खत्म हुए 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ की मिट्टी जो है कितनी गीली है, कितनी नमी है इस मिट्टी में। क्योंकि दोस्तों इस डोभे की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज हो गया है, इसलिए हमारा अभी भी इस ग्राउंड में नमी पाया जा रहा है। स्प्रेडिंग मेथड को करने का एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों CCT, यानी कि कंटिन्यूअस काउंटर ट्रेंच। इस टेक्निक में दोस्तों जो हिली एरियाज और माउंटेन्स के पास आजू बाजू खाली पड़ी जमीन होती है वहां पर हम लोग कुछ इस तरह के ट्रेंचेस बनाते हैं जिसमें कि हमारा रेन वाटर कलेक्ट होता है और फिर वो पानी हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्प्रेडिंग मेथड जिसमें कि हमारा CTC,
डोभा वगैरह और जो पॉन्ड्स वगैरह है वो सभी आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों रिचार्ज वेल मेथड। रिचार्ज वेल मेथड में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक बोर होल होता है, जैसे हैंडपम्प्स वगैरह का होता है ना बोर होल जो बनाया जाता है हैंडपम्प्स के लिए, उस तरह का एक बोर होल होता है जिसमें हम लोग बरसात के पानी को इंजेक्ट करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक बोर होल चाहिए होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैंडपम्प का होता है ना वैसा। दोस्तों अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि विलेज में ऐसे बहुत सारे हैंडपम्प्स होते हैं जिनसे हमारा पानी नहीं निकलता है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैंडपम्प्स भी होते हैं जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा देर तक हिलाने की ज़रूरत होती है तभी जाके हमारा पानी निकलता है उनसे। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वो हैंडपम्प ख़राब हो गया है? नहीं दोस्तों, वो ख़राब नहीं हुआ है। एक्चुअली वो हैंडपम्प का बोर होल जिस एक्वीफर से कनेक्टेड है उस एक्वीफर में हमारा पानी ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसमें या तो पानी नहीं निकल रहा है या तो बहुत ही ज़्यादा देर बाद उसमें पानी निकल रहा है, क्योंकि हमारा वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। ऐसे केसेस में दोस्तों गांव वाले क्या करते हैं, एक नया चापाकल, एक नया हैंडपम्प जो है बना देते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। हम लोग उस हैंडपम्प को भी दोबारा से सही कर सकते हैं अगर हम लोग वहाँ पे रिचार्ज वेल मेथड को यूज़ करें। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उस बोर होल के चारों ओर एक गड्ढा करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा 4x4 या फिर 6x6 का छोटा गड्ढा करेंगे, और उसमें जो है इस तरह से हम लोग जो है पत्थरों को प्लेस करेंगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जब पूरा तरह से पत्थर प्लेस होके ये पूरा पैक हो जाएगा तो बरसात के टाइम में जब हमारा पानी गिरेगा दोस्तों तो ये पानी हमारा इस वेल में जमा होगा और पत्थरों के जरिए हमारा जो है पानी अच्छी तरह से सीप होते होते हमारे बोर होल में जाएगा। अब दोस्तों इससे क्या होगा, हमारा बोर होल का जो एक्वीफर है वो दोबारा से रिचार्ज होगा और हमारा वेल में पानी दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव तरीका है ग्राउंड वाटर को दोबारा रिचार्ज करने का, और ये ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है और एक नए हैंडपम्प बनाने से तो कई गुना अच्छा है। इसी तरह के छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स दोस्तों हम लोग अपने घरों के आसपास भी बना सकते हैं जहाँ से हमारा रेन वाटर रन ऑफ होता है, जिससे कि हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं और अपने वाटर टेबल को ऊपर ला सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से स्कूल के बच्चे एक रिचार्ज वेल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हमारा छत का जो सरफेस रन ऑफ वाला वाटर होता है वो स्टोर होके रहेगा और हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। नाउ आई कैन से ये है मेरा इंडिया, लाइक तो बनता है बॉस। अब दोस्तों हमारा एक लास्ट मेथड आता है इंड्यूस्ड इनफिल्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो बरसात का पानी होता है उसको डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड वाटर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे किया जाता है इसको चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग का जो रेन वाटर रन ऑफ होता है उसको हम लोग एक इस तरह के कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमारा रेन वाटर होता है तो वो जो है रन ऑफ के टाइम बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस को, सस्पेंडेड सॉलिड्स को लेके आता है, तो वो सभी जो है यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं इस कंटेनर में, और बाकी के जो हमारे फ्रेश वाटर ऊपर की साइड में होते हैं वो जो है दूसरे पाइप के थ्रू एक दूसरे कंटेनर में जाते हैं। अब दोस्तों ये जो दूसरा कंटेनर है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा दूसरा कंटेनर है, इसमें भी हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो लगा हुआ रहता है जिससे कि हमारा पानी इनफिल्ट्रेट होके नीचे जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो है ग्रेविटी भी काफ़ी साथ देता है, ग्रेविटी के चलते हमारा पानी जो है नीचे की तरफ जाता है। ये हमारा स्टोरेज वेल है जहाँ पर हमारा ये पानी स्टोर हो जाता है, बरसात का पानी स्टोर होता है। और दोस्तों इस वेल के अंदर अगेन एक पाइप होता है जो कि बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ रहता है, जो कि हेल्प करता है हमें पानी को एक्वीफर्स तक ट्रांसपोर्ट करने में। इस पाइप के जरिए दोस्तों हम लोग डायरेक्टली एक्वीफर्स में पानी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी क्विक एंड एडवांस मैथड है हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यार हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे कि हम लोग वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों पानी फाउंडेशन, जिसने की महाराष्ट्र में वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। महाराष्ट्र में एवरेज रेनफॉल बहुत ही कम देखने को मिलती है, और एक टाइम पर महाराष्ट्र में तो कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर गर्मियों के टाइम लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता था। सरकार को टैंकर भर भर के गांव में पानी पहुंचाना पड़ता था, सो दैट पीपल कैन गेट वाटर जस्ट टू ड्रिंक, फॉरगेट अबाउट बाथिंग एंड एग्रीकल्चरल स्टफ। आप समझ सकते हैं दोस्तों कंडीशन कितनी बुरी रही होगी वहां पर। लेकिन दोस्तों अगर आप आज के टाइम पर महाराष्ट्र में जाते हैं तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुकी है, और ये पॉसिबल हो पाया है दोस्तों ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की वजह से।
दरअसल दोस्तों 2016 से 2019 तक महाराष्ट्र में पानी फाउंडेशन हर साल वाटर कप नाम का एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें कि काफी सारे विलेजेस पार्टिसिपेट करते थे। ये कॉन्टेस्ट दोस्तों 45 डेज के लिए हुआ करता था और बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पे फोकस करता था। इसमें विलेजेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी कि कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग किया जा सकता है, तरह तरह के मैथड्स अप्लाई किए जाते थे और जो विलेज सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव काम करता था उसे विनिंग प्राइज भी दिया जाता था। और दोस्तों पता है इस कॉन्टेस्ट की सबसे अच्छी बात क्या थी? इसमें कोई भी हारता नहीं था, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट की वजह से सभी लोगों को एक बहुत ही अनमोल चीज मिली, पानी। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।